बात कोरोना की। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले रविवार को 11 मिलियन यानी कि 1.1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। हालांकि अंतिम 1 मिलियन मामले 65 दिनों में आए हैं, जो कि इतने नए कोरोना के मामलों के लिए सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ने के बाद अमरावती समेत कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, जबकि पुणे के अलावा नासिक में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इन हालातों को देखते हुए एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। लोगों की लापरवाही कहें या प्रशासन की ढिलाई, कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से हमें पिछले साल के हालातों में ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए और इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,05,850 हो गई। वहीं 83 नई मौतों के बाद देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या 1,56,385 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 1,11,16,854 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। वर्तमान में भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,50,055 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,06,99,410 है। ICMR के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के कुल 21,15,51,746 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 6,20,216 सैंपल कल यानी कि रविवार को टेस्ट किए गए। भारत में बीते सप्ताह में कोरोना के 1,990 ताजा मामले दर्ज हुए हैं। 5 सप्ताह के बाद किसी हफ्ते में 1,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पिछले हफ्ते कोरोना के 77,284 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 31% केस बढ़ गए। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना मामले महाराष्ट्र में बढ़े, जहां इस हफ्ते 81% की वृद्धि देखी गई। वहीं भारत में पिछले हफ्ते तक औसतन यानी कि 7 दिन के लिए कोरोना मामलों की संख्या 11,430 थी, जो इस हफ्ते के आंकड़ों के बाद बढ़कर 12,770 हो गई। हालांकि हफ्ते दर हफ्ते होने वाली मौतों के आंकड़ों में स्थिरता देखी गई है। इस हफ्ते कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 660 रही, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 10 ज्यादा है। भारत में पिछले कुछ दिनों से COVID-19 के मामलों में वृद्धि हो रही है। मंत्रालय ने कहा कि देश COVID-19 के कुल उपचाराधीन मरीजों में 74% से ज्यादा केरल और महाराष्ट्र में है। बाद में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मामले बढ़े हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी प्रतिदिन के मामलों में वृद्धि देखी गई है। केरल में पिछले 4 हफ्तों में औसत साप्ताहिक मामले 42,000 से 34,800 के बीच रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 4 हफ्तों में साप्ताहिक मामलों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति देखी गई है, जो 18,200 से बढ़कर 21,300 हो गई है, जबकि साप्ताहिक पुष्टि की दर 4.7 से बढ़कर 8% हो गई। मंत्रालय ने कहा कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की साप्ताहिक पुष्टि की दर राष्ट्रीय औसत 1.79 से ज्यादा है। ये दर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, जो कि 8.10 है। केंद्र ने इन सभी राज्यों को 5 उपायों पर जोर देने की सलाह दी है, जिनमें RT-PCR जांच, सख्त एवं व्यापक निगरानी, जिलों में क्लिनिकल मैनेजमेंट, ये सब शामिल है। महाराष्ट्र में 6,971 नए केस। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 6,971 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल मामले 21,00,000 के पार हो गए। राज्य में ये तीसरा दिन है जब संक्रमण के मामलों की संख्या 6,000 से ज्यादा है। राज्य में करीब 3 महीने के बाद शुक्रवार को 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। रविवार को 35 संक्रमितों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 51,788 हो गई। वहीं कुल मामले 21,884 हो गए हैं। केरल में रविवार को कोरोना वायरस के 4,070 नए मामलों की पुष्टि हुई और कोविड संक्रमण के कारण 15 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में वायरस के अब तक 10,35,006 मामले हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,089 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 57,241 नमूनों की जांच की गई। नमूनों के संक्रमित पाए जाने की दर 7.11% है। इस बीच 4,335 मरीजों ने रविवार को संक्रमण को मात दे दी। राज्य में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 9,71,975 पर पहुंच गई है और राज्य में फिलहाल 58,313 लोग संक्रमण का इलाज करा रहे हैं।
पंजाब में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए और 8 मरीजों की मौत हुई। वहीं रविवार को पंजाब में कुल 264 मरीज डिस्चार्ज किए गए। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए, जिससे यहां संक्रमण के मामले बढ़कर 21,425 हो गए। रविवार को यहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। बता दें कि यहां संक्रमण से मरने वालों की संख्या 349 है। वहीं 186 मरीजों के संक्रमण का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में 4 की मौत। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 299 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 2,59,427 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 4 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई, जिससे मरने वालों की संख्या 3,854 हो गई है। राहत की बात यह है कि राज्य के 52 जिलों में से 18 जिलों में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में कुल 2,59,427 संक्रमितों में से अब तक 2,53,522 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं और 2,051 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से प्रदेश में रोजाना 200 से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।